नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो शादी जिसका पता किसी को नहीं चला, पत्नी को प्यार से बुलाते थे बाघिनी। ये 1934 का साल था। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे। उस वक्त तक उनकी पहचान कांग्रेस के योद्धा के तौर पर होने लगी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस की तबीयत फरवरी 1932 में खराब होने लगी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार उनको इलाज के लिए यूरोप भेजने पर मान गई थी, हालांकि इलाज का खर्च उनके परिवार को ही उठाना था। वियना में इलाज कराने के साथ ही उन्होंने तय किया कि वे यूरोप रह रहे भारतीय छात्रों को आजादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे। इसी दौरान उन्हें एक यूरोपीय प्रकाशक ने द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का काम सौंपा, जिसके बाद उन्हें एक सहयोगी की जरूरत महसूस हुई जिसे अंग्रेजी के साथ साथ टाइपिंग भी आती हो। बोस के दोस्त डॉक्टर माथुर ने उन्हें दो लोगों का रेफरेंस दिया। बोस ने दोनों के बारे में मिली जानकारी के आधार पर बेहतर उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वे उससे संतुष्ट नहीं हुए। तब दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया। ये दूसरी उम्मीदवार थी 23 साल की एमिली शेंकल। बोस ने इस खूबसूरत ऑस्ट्रियाई युवती को जॉब दे दी। एमिली ने जून 1934 से सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1934 में सुभाष चंद्र बोस 37 साल के थे और इस मुलाकात से पहले उनका सारा ध्यान अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करने पर था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंदाजा भी नहीं था कि एमिली उनके जीवन में नया तूफान लेकर आ चुकी हैं। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते सुगत बोस ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर हिज मैजेस्टी अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर किताब लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एमिली से मुलाकात के बाद सुभाष के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया। सुगत बोस के मुताबिक इससे पहले सुभाष चंद्र बोस को प्रेम और शादी के कई ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी में दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन एमिली की खूबसूरती ने सुभाष पर मानो जादू सा कर दिया। सुगत बोस ने अपनी पुस्तक में एमिली के हवाले से लिखा है, प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते रोमांटिक होते गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्ते मधुर होते गए।